भी आदरणीय हमारी आदरणीय वरिष्ठ दीदियों एवं हमारे आत्मीय बहनों भाइयों सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहनों, हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमें इस स्वर्ण जयंती वर्ष पर हमें श्रद्धांजलि स्वरूप अपने श्रम, प्रतिभा और समय का नियोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे वो समय आ गया, वो कहा जाए तो हम सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अब हमें वो चीजें हम उतर के और करके दिखाएं। तो निश्चित ही आप लोग को जो इस प्रकार प्राणवाण दीदी ने बताया तो आपके मन में भी अभी उभर रहा होगा कि हम जल्दी ही कमर कसें और निकल के कार्य को करें, आप में उत्सुकता आ रही होगी। तो आगे क्रम में मैं चलते हुए जो छोटी छोटी चीजें और हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार आप और बहुत अच्छे से इस कार्य को कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम है कि मुख्यतः हम प्रचार प्रसार संपर्क करें तो उसमें किस प्रकार से करें, जितने भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें मीडिया के रूप में हम बहुत अच्छे से और तेजी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि आज हर हर घर में जितने भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सभी के पास मोबाइल है और वो उसपे बहुत ज्यादा समय देते हैं। तो हम मोबाइल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो तैयार करें, छोटे छोटे वीडियोज बनाए, ऑडियो बनाए और उसमें अपने जो हमारे जिले स्तर पे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनको हाईलाइट्स करें। जैसे कोई पिक्चर जो आने वाला रहता है तो उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, और जब वो ट्रेलर दिखाया जाता है तो लोगों में एक उत्सुकता होती है कि यहाँ पहुंचेंगे तो देखेंगे इसके आगे क्या होगा। तो हम सभी बहनों में बहुत सारी इस प्रकार की प्रतिभाएं हैं, तो आप इस प्रकार भी उसको नियोजित कर सकते हैं और छोटे छोटे टेलर के रूप में आप अपना जो हमारी नारी सशक्तिकरण का जो ये शंखनाद हो रहा है, आगाज हो रहा है, तो हम इस प्रकार से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जरूर बनाएं। और बहनों, हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम प्रचार प्रसार करें, जितने बहनों से बात करें तो हम उनकी सूची जरूर तैयार करें अपने पास, ताकि हम उनको बार बार, होता क्या है कि एक बार तो हमारे अंदर जोश रहता है, हम जोश से भरते हैं और बहुत सारे लोगों के पास हम फोन कर देते हैं, उनके पास संपर्क कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमारे पास एन वक्त जब सही समय आता है तो उस समय अचानक से कोई छूट जाता है, क्योंकि हमारे पास वो सूची नहीं बनी रहती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम इसको जरूर नोट कर लें कि हम जिन जिन बहनों को जहां कहीं भी प्रचार प्रसार करें तो उन जिनसे भी हम संपर्क किए हैं तो उनका पॉइंट हम जरूर लिखें। साथ ही हम ये भी बताएं कि जो बहनें आए हमारे इस कार्यशाला में तो वो कॉपी पेन लेकर ही लेकर बैठे हैं साथ में। दूसरा पॉइंट आता है कि भोजन के तहत, तो हम बहनों जब आप आपको ये जिम्मेदारी मिले तो आप उसमें जरूर ध्यान दें कि जहाँ पे जो भोजन बना रहे हैं या जो भोजन बनाने वाले हैं, जो भोजन परोसने वाले हैं, तो उनका भाव कैसा है, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो यहाँ पे भी हमको वैसे लोगों को वहां पे अपने भोजन स्थान में रखना है, क्योंकि आज आजकल अधिकांश जगह देखा जाता है कि हम वो लगा देते हैं जो भोजन बनाते हैं, मिस्त्री पैसे मिल आते हैं। तो उस प्रकार से ना करके हम आपस में बहनें इस प्रकार की बहनों को नियोजित करें कि जो उत्सुकता से अपनी सेवा के रूप में भोजन पकाएं 2 दिन और परोसें, क्योंकि यहाँ पे बहनों की टीम सारी चीजें काम कर रही है। तो उस जगह पे भी हम पूरे पूरे उसे बहनों को लेके आए, परोसने से लेकर बनाने से लेकर खिलाने, हर चीज में बहनों को आगे करें हम। फिर आवास, ये होता है अधिकांश बहनों में देखा जाता है कि जो जहाँ पे अगर जिले स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं तो जब हम बोलते हैं आवासीय प्रोग्राम है तो बहनों के अंदर एक ये आती है कि हम दिन भर रहेंगे, रात में घर वापस आ जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप उनको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब बहनें हर घर में रहती हैं लेकिन जब उनको कहीं बाहर जाने का अवसर मिलता है तो वो जरूर चले जाते हैं। तो हम इनको ये ना बोलें कि आपकी कार्यशाला है, गोष्ठी है, हम उनको इस प्रकार से उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि जिस प्रकार आप एक आध दिन के लिए आप पिकनिक या घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो आप एक दिन घर छोड़ के और आइए और इस सामूहिक स्थल पे एक प्रकार से आध्यात्मिक पिकनिक के रूप में कार्यशाला में आइए और पूरी कार्यशाला को लीजिए। आप दिन में भी रहिए, रात्रि में भी रहिए और सुबह का जागरण करके हर एक जो चीजें यहाँ से बताई बताई जाएंगी कार्यशाला में, उन चीजों को आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नई नई बहनें साथ में रहेंगी। और ये भी देखा जाता है कि जब बहनें अपने घर में बहुत लंबे समय से एक ही लोगों के साथ रहती हैं तो थोड़ा मन में रहता है, तो आप इस प्रकार से भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि एक दिन की बात है, आप रह के देखिए, नए नए लोग हैं, बाहर से टीम आई हुई है, तो उनमें एक अलग जागरूकता आएगी और सारे बहनें एक साथ आवास में अगर रहेंगी
तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और साथ में एक अलग से नारी शक्ति जगेगी। तो इस प्रकार जरूर उनको फोर्स करें कि वो आवासीय रहें, आके जाने वाला सिस्टम अगर कम रहेगा तो और भी मजा आ जाएगा हमारी इस कार्यशाला में। साथ ही जो हमारे मंच की व्यवस्था संभालेंगी हमारी बहनें, तो मंचों में जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि आएंगे और जो हमारे वरिष्ठ परिजन रहेंगे और जो हमारे टोली के जितने भी हमारी बहनें रहेंगी, तो उनको ससम्मान हम उनको मंच पे सम्मानित करते हुए सारे की व्यवस्था बनाकर वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था रखें। 2 दिवसीय जो संपूर्ण कार्यशाला होगी, तो बहनों इसमें आप पूरे हर एक स्टेप बाय स्टेप मीडिया प्रभारी बना दें और वहां पे वो हर एक फोटो की क्लिपिंग ले और वीडियो बनाए, ताकि ये कार्यक्रम जो हम उत्सुकता पूर्वक कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास रहे। साथ ही आज अभी जो प्रांत से जो चल रहे हैं प्रज्ञा अभियान, इसमें भी रिपोर्टिंग करनी है, तो इसमें छोटी छोटी सावधानी होती है, तो उसको विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि जो भी बहने हमारे मीडिया प्रभारी बने, तो वो फोटो जिस प्रकार से उसमें बताया गया है कि कैमरे को टेढ़ा मतलब आड़े लेके फोटो लेना है, वही फोटो सेलेक्ट होता है और वो चीजें मीडिया में जाती हैं, तो कोशिश करें कि पूरे नियम के साथ और अच्छे से उस मीडिया प्रभारी जो बनेंगे उनको आप सही चीजों को बताते हुए और उनको फोटो लेने का वो कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं ये सुनहरा अवसर इतिहास गवाह बनने जा रहा है जो ये पहली बार हम सभी मिलकर करने वाले हैं। तो इस पे इस महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर हम सभी बहने ध्यान दें और इसको पूरी तैयारी के साथ हम हर एक स्टेप का वीडियो और फोटो रखें अपने पास। संपूर्ण कार्यशाला को संपन्न करने हेतु सक्रिय जो जिम्मेदार बहनें हैं वो टीम वर्क तैयार करें और टीम वर्क के साथ जो बहनें नेतृत्व करें उनमें देखें कि कौन सी बहनों में क्या रुचि है, वो अपनी रुचि से स्वेच्छा से सामने आए और उस कार्य को लें। जैसा कि पिछले उसमें आदरणीय भैया के द्वारा कहा गया था कि जो हमारी बहनें हैं अपने घर में नेतृत्व करने के लिए स्वयं आगे आती हैं और वो कहती हैं कि नहीं नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, और वो खुद आगे पूरे घर को पूरे परिवार का जो बड़े से बड़े कार्य होता है तो नेतृत्व करती हैं। तो निश्चित ही इसमें भी हमारी सभी बहनों से आह्वान है कि वो स्वयं आगे आए और खुद नेतृत्व करें, अपनी प्रतिभा और श्रम का और जो उनके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है उसका सही नियोजन करें इस प्रकार, और वो अपने जो भी उनके सहयोगी भाई बहन है तो उनका भी साथ लें और साथ लेते हुए वो आगे बढ़ें। तो इस प्रकार इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी बहनों को इस जो जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के ऊपर तो लगभग लगभग ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।